हेलो यूट्यूब, स्किनी फैट। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्किनी फैट टॉपिक के बारे में। स्किनी फैट लाइक पता कैसे लगेगा कि आपको कि आप स्किनी फैट हैं या नहीं है। सपोज आप स्लिम हैं, कपड़ों में आपकी बॉडी अच्छी लग रही है, बट जब आप अपनी टी शर्ट रिमूव करते हैं तो आपको कुछ अजीब लग रहा है। ठीक है, लाइक फैट फैट अब कहाँ पे स्टोर होती है जाके? अगर आप स्किनी फैट है तो आपकी अपर आर्म्स, अपर लेग्स या फिर टमी के साइड के ऊपर जैसे जेली सी बन जाती है, तो उस चीज से आपको पता लगेगा कि हाँ यार आप जो है अब स्किनी फैट हो चुके हैं। स्किनी फैट ज्यादातर वुमेन, आजकल तो मेन में भी बहुत ज्यादा हो चुका है ये काम, क्योंकि लोग अपने आप को स्लिम करने के लिए डाइट में बहुत ज्यादा अपनी हेयर फेयर कर देते हैं, बहुत चेंज कर देते हैं अपनी डाइट को। इतना टाइम नहीं है किसी के पास जिम जाके वर्कआउट करके अपने आप को स्लिम कर देगा, तो वो क्या कर रहे हैं लोग, अपनी डाइट को कम कर देंगे, अपनी कैलोरीज को कम कर देंगे। बट इससे क्या हो क्या रहा है, अगर आप डाइट से अपना वेट लॉस करते हैं तो उसके साथ साथ आपकी मसल्स भी जाती हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ डाइट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपना डाइट से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। मसल्स और फैट की रेशो दोनों ही कम होगी। बट स्किनी फैट की कंडीशन तब आती है जब हमारी मसल्स और हमारी फैट की रेशो इतनी कम हो जाती है कि हमारी मसल्स फैट से ज्यादा नीचे आ जाती है। फैट की रेशो से मसल्स ज्यादा नीचे आ गई और फैट ज्यादा होगी हमारी बॉडी में, तो वो कंडीशन होती है स्किनी फैट। अब हम क्या है, हम पतले भी हैं, ठीक है, एक्टोमॉर्फ होते हैं, वो ज्यादा शिकार होते हैं, लाइक वो ज्यादा सफर करते हैं। शिकार नहीं, शिकार एक गलत वर्ड नहीं यूज करूंगा मैं, वो ज्यादा सफर करते हैं इस प्रॉब्लम से, स्किनी फैट की प्रॉब्लम से। लाइक आपकी बॉडी में हड्डियों के ऊपर मसल्स की लेयर बहुत कम है और फैट ज्यादा है आपके पास, एक तो ये चीज है। अब स्किनी फैट का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि स्किनी फैट है क्या, ठीक है ना। वुमेन में तो अगर हम देखें कि वुमेन में नेचुरली फैट की रेशो ज्यादा होती है, मसल्स की रेशो कम होती है, बट मेन में ऐसा नहीं होता, मेन में उल्टा होता है काम, फैट की रेशो कम और मसल्स की रेशो जो है नेचुरली ज्यादा होती है, ठीक है ना। बट हो क्या रहा है आजकल के टाइम में, हम एक्सरसाइज को नहीं टाइम देना चाहते, हम डाइट के ऊपर ध्यान देके अपने आप को स्लिम कर रहे हैं, स्लिम होने का ट्रेंड है, बट स्लिम कैसे हो रहे हैं, गलत वे से, विदाउट एक्सरसाइज, सिर्फ और सिर्फ डाइट से, तो वो चीज हमें बना रही है स्किनी फैट। आपको बता दें कि एज के साथ साथ अगर स्किनी फैट की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि नेचुरली अगर हम ओल्ड एज में जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी मसल्स की जो रेशियो है वो बॉडी में ऑटोमेटिकली कम होती रहती है और फैट्स बढ़ती रहती है। बट अगर हम यंग एज में है, ठीक है ना, 20, 25, 30, तो ये कोई एज नहीं है आपको स्किनी फैट दिखने की, आपको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा इस समय के ऊपर। आप देखिए कि अगर आपकी बॉडी की फैट वॉल्यूम ज्यादा है और मसल्स वॉल्यूम कम है, तो आपकी बॉडी में सेम टू सेम वही कंडीशन है जो एक मोटे इंसान के लिए है, लाइक एक ओवरवेट बंदा जो फैट से सफर कर रहा है, ठीक है। बट डिफरेंस इतना है कि वो कपड़ों में दिख रहा है मोटा, आप कपड़ों में मोटे नहीं दिख रहे, कपड़े उतारने के बाद आपको फील हो रहा है कि आप मोटे हैं। जो बीमारियां एक मोटा बंदा फेस करेगा वही बीमारियां फेस करेगा एक पतला बंदा, स्किनी फैट बंदा, ठीक है, क्योंकि उसकी मसल्स कम है, फैट ज्यादा है। मोटे इंसान में भी फैट ज्यादा है, मसल कम है, तो सेम हार्ट अटैक का खतरा रहेगा उसको, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, तो सेम जो चांसेस होते हैं मोटे इंसान को वही वही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्किनी फैट को। तो अगर आप स्किनी फैट हैं तो आपको इस चीज को अभी से अभी कवर कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम रहते हुए आज का दिन अगर आप यूज करेंगे सोचने के लिए कि हाँ आप मुझे कुछ करना है अपनी बॉडी के लिए, तो वो ठीक रहेगा। कल 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 करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में आप अपने आप को अपनी बॉडी के लिए इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, और एज के साथ साथ इतना टाइम देना और इतना मैनेज करना अपनी बॉडी को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको अगर आप ये कंडीशन से लाइक सफर कर रहे हैं इस कंडीशन को, तो आपको अभी से अभी कंट्रोल करना शुरू कर देना चाहिए। मैं आगे वीडियोस डालता रहूंगा, अगर आपको कुछ लाइक नॉलेज चाहिए इस चीज के बारे में, या आप कोई वर्कआउट प्लान या फिर कोई डाइट प्लान देना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए या मुझे मेल कर दीजिए आप। तो वैसे मैं भी कोशिश करूंगा इस चीज के ऊपर वीडियोस डालने की, लाइक कौन सी डाइट ली, अगर आप एक्टोमॉर्फ हैं, अगर आप स्किनी फैट है तो आप क्या डाइट लें। बस आपको एक चीज बता दूं कि आपको जो है प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा रखनी चाहिए अगर आप अपनी डाइट में एकदम से लाइक अपनी स्किनी फैट को दूर करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको अपनी एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। रनिंग करने से कुछ नहीं होगा, 2-2 किलो 3-3 किलोमीटर भाग रहे हैं आप, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अगर भागना ही, आपको स्प्रिंट लेनी चाहिए 100 मीटर 200 मीटर, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको वेट ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग
हैवी वेट उठाएंगे आप तो आपके मसल्स का काम होगा, मसल्स यूज में आएंगे तभी मसल्स इंक्रीज होंगे, मसल का मास इंक्रीज होएगा। आपको स्किनी फैट हो, आपको सबसे पहले स्किनी वर्ड को दूर करना है। स्किनी वर्ड तब दूर होगा जब आपके मसल्स का साइज इंक्रीज होगा, तो आप स्किनी नहीं रहेंगे, सिर्फ फैट रहेंगे। अब उसके बाद आपको अपनी फैट कम करनी है, तो इस प्रोसेस से चलिए। पहले अपनी फैट मत कम कीजिए, पहले अपने मसल्स बिल्ड कीजिए, जिम जाइए, जिम शुरू कीजिए, अपने प्रोटीन के अमाउंट को ज्यादा रखिए, अच्छा कार्ब इंटेक लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाइए आप, और फैट्स भी नॉमिनल अमाउंट में खाइए आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि फैट है तो फैट्स बिल्कुल छोड़ देंगे आप। और उसके बाद आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी को कभी भी ऐसा फील नहीं होने देना कि हाँ मुझे भूख लग रही है, क्योंकि आप पहले से ही इतने स्किनी हैं, तो अगर आपकी बॉडी और स्टार्व करेगी और उस भूखी रहेगी बॉडी, तो वो धीरे धीरे अपने मसल्स को खाएगी। फैट भी एज एनर्जी यूज करती है, बट जैसी कंडीशन आपकी है आपके पहले मसल्स जाएंगे, उसके बाद आपकी फैट बर्न होना शुरू होगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, हर रेगुलरली 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहिए। हर डाइट में अपनी प्रोटीन ऐड कीजिए, हर डाइट में अपनी कार्ब्स ऐड कीजिए। किसी एक आधी डाइट में अगर आपने फैट्स नहीं भी ऐड की तो कोई बात नहीं, बट प्रोटीन और कार्ब्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। एंड अगर और कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके नीचे पूछिए, मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का रिप्लाई करने का। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने स्किनी फैट दोस्तों के साथ, ताकि उनको कुछ फील हो कि हाँ अभी स्किनी फैट कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। स्किनी होना ट्रेंड में है, पतला होना ट्रेंड में है, स्लिम होना ट्रेंड में है, बट स्किनी फैट होना बीमारियों को बुलावा, खुद जैसे कहते हैं ना, इन्विटेशन देने वाली बात है।